हर एक बच्चे को देख रहे थे बहुत प्यार की दृष्टि दे रहे थे बाबा और ये ऐसे था जैसे कि बाबा हमारे प्यार में समाये है हम बाबा के प्यार में समाये है और बाबा हमारे प्यार में समाये बहुत प्यार वाला सीन था और फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया और बाबा ने कहा कि सभी बच्चे सभी बहुत प्यारे हैं सब जैसे फूल जैसे हैं और बाबा के बड़े बगीचे के फूल हैं और बाबा सबकी सुंदरता को देख रहे थे खुशबू को देख रहे थे और बहुत प्यार से जैसे हर बच्चे को एक फूल की तरह देख रहे थे और प्यार तो दे रहे थे तो बाबा कह रहे थे कि अंदर में ये ऐसे रखो खुशबू की हम भी बाबा के बगीचे के खुशबूदार फूल हैं और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे सबको कुछ ना कुछ विशेष मिला है बाबा से कुछ ना कुछ विशेष सबको मिला है सब में बहुत सारे गुण हैं पर कुछ है जिन पर बाबा ने विशेष गुणों को दिया है तो जो भी बच्चा सहयोगी बनता है जो भी बच्चा सहयोगी बनता है बाबा के यज्ञ में मददगार बनता है यज्ञ की पालना करने में मददगार बनता है जैसे लौकिक में भी होता है ना, जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं दुनिया के ब्राह्मण भी यज्ञ कराते हैं तो उनको बहुत गिफ्ट मिलते हैं उपहार मिलते हैं तो ऐसे ही बाबा के बच्चों के साथ भी है जो बाबा के बच्चे यज्ञ को सहारा देते हैं मदद करते हैं किसी भी रूप में मन से तन से या किसी भी रूप की सेवा से जो भी बाबा के यज्ञ में मदद करते हैं तो बाबा उनको भी रिटर्न देते हैं किस रूप में देते हैं ना के सिर्फ उसको इतना गुना बढ़ा देते हैं जो हम करते हैं बल्कि हमको कुछ विशेष देते हैं विशेष उपहार के रूप में देते हैं विशेषताएं तो बाबा कह रहे थे हर बच्चा अपने आप को देखे और फिर ये देखे कि मुझे बाबा ने कौन सा गिफ्ट दिया है तो मैं बाबा की तरफ देख रही थी और मैंने बाबा से कहा कि बाबा जो भी हमारे पास है मुझे तो ऐसे लगता है सब कुछ आपका गिफ्ट है जो भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है बाबा की गिफ्ट है तो हम तो सब ट्रस्टी है ना और आपने ही हमको सब कुछ दिया है सब कुछ तो बाबा ने कहा हाँ बाबा बाबा देता तो है लेकिन बाबा लेता है स्वीकार करता है लेकिन बाबा हमको बहुत पदम गुना देता है उससे भी बहुत ज्यादा देता है तो कई बच्चों को हमेशा ये संकल्प रहता है ना कि हम बाबा के लिए क्या करें हम यज्ञ के लिए क्या करें और जब वो इस तरह से सोचते हैं तो बाबा उनकी क्षमता को भी बढ़ा देते हैं आगे बढ़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं अगर कोई समझता है हमको कोई सेवा करनी है तन से मन से तो बाबा उसको बढ़ा देंगे संकल्पों की सेवा कोई भी तरह की सेवा आपको संकल्प आए कि मुझे ये करना है तो बाबा फिर उसमें शक्ति देंगे, आपकी क्षमता को बढ़ा देंगे ज्यादा करने की आपकी क्षमता कर देंगे क्योंकि बाबा तो दाता है ना और बाबा आज हमको जैसे कईयों को बाबा याद कर रहे थे मधुबन में भी और जैसे सबका ये संकल्प है कि बाबा का संदेश सबको दे यज्ञ का सहारा बने तो बाबा कह रहे थे कि हाँ उन ऐसे बच्चों को तो ज्यादा नंबर मिलेंगे ना जो यज्ञ की सेवा का सोचते रहते हैं तो बाबा कह रहे थे लेकिन जितना जितना आप लोग ज्यादा ध्यान दोगे कि आपका हर एक संकल्प हर एक बोल हर एक कर्म बाबा की याद में है तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं सोच रही थी कि जब आत्मा शरीर में होती है जैसे हम सांस लेते हैं हम सोचते हैं तो अगर हम हर समय बाबा को याद कर सके तो बाबा तो कहते हैं ना हर श्वास में बाबा की याद हो तो कितना सुंदर बन जाएगा ना तो मैं समझती हूँ कि कुछ भी सोचो बाबा के बारे में बाबा की विशेषताएं सोचो बाबा की शक्तियों को सोचो बाबा के कार्य को सोचो पर हर संकल्प में बाबा को सोचो तो बाबा कह रहे थे हाँ ये जो तुम्हारी स्थिति है ना तो ये बनेगी और फिर तुम बाबा के जैसे अभी दिल में हो ना तो बाबा हमारे दिल में है है ना और कोई तो नहीं है ना सिर्फ बाबा ही है हमारे दिल में तो बाबा कह रहे थे कि बाबा के दिल में भी सब बच्चे हैं बाबा हर वक्त बच्चों के बारे में सोचते हैं तो मैंने बाबा से कहा रहे बाबा आप हमारे बारे में सोचते हो तो बाबा ने कहा हाँ मैं आपके बारे में सोचता हूँ जब आप मुझे याद करते हो तो मैं आपको याद करता हूँ तो और फिर बाबा से बहुत सारे सुंदर संकल्प भी हमारे तक पहुंचते हैं बहुत प्यार भरी शेयरिंग और फिर बाबा ने कहा कि इस हर बच्चे को वरदान है कि आप अपनी संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर सको सदा खुशी सदा हेल्दी एवर हेल्दी और सदा करम योगी सब कुछ सदा के लिए हो जाए सदा की ब्लेसिंग तो बाबा ने वरदान दिया सदा का हो जाए सब कुछ और फिर बाबा ने हर एक की तरफ देखा और विशेष रूप से उनकी तरफ जो बाबा को याद प्यार भेज रहे थे और जिन्होंने भोग स्वीकार कराया तो बहुत बहुत याद प्यार बाबा की तरफ से आप सभी के लिए अच्छा ओम शांति people. Yes. So स्वागत है आप सभी का व्यक्ति परिवार में आज सोलहवा दिन है सदा, सदा खुश खुश टॉपिक आज का टॉपिक है खुशन मोहिनी दीदी से सुनेंगे ओम शांति एवरीवन ओम शांति सभी को हैप्पी सतगुरुवार बाबा वांट्स टू शावर सो मच लव ऑन अस बाबा देखो हम पे कितना प्यार बरसा रहे थे हम जानते हैं कि हमारी ये रूहानी यात्रा में हमको अपने पुरुषार्थ पर अपनी स्थिति पर सब पर ध्यान देना होता है सारे जो खजाने हैं वो जमा करने हैं पर हर कदम पर चाहे हम सेवा कर रहे हैं चाहे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो देखो बाबा आज कैसे कह रहे थे बाबा हम सबको बहुत प्यार करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि बाबा हमको वर्षा देते हैं, पर कुछ भी चीज जो भी हम करते हैं तो तो बाबा तो हमको दे ही रहे हैं बाबा दाता है और सदा हमको दे ही रहे हैं तो हमारा मन जैसे सदा खुशी में नाचता रहता है सिर्फ ये सोचना भी कि इस कलयुग में कि जहा हर एक का जीवन कुछ ना कुछ मुश्किलों से भरा हुआ है और कुछ का जैसे कईयों के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति है कोई तकलीफ है तो वो उसके बारे में सोचते रहते सोचते रहते हैं और ही बड़ी होती जाती है तो ऐसे नहीं कि कोई मुश्किल आसान हो जाएगी पर हमारे पास ये युक्ति है कि अगर कोई चीज अगर मुश्किल है तो हम बाबा के पास जाते हैं बाबा को सौंप देते हैं और बस हम आगे बढ़ते हैं ऐसे नहीं कि हम उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं पर लौकिक दुनिया में तो दुख की दुनिया है ना तो दुख की दुनिया बाबा कहते हैं उसको तो दुख की दुनिया में क्या होता है कि हाँ ये ये दुख ले लेते हैं इसने मुझे इसने मुझे मुझे ठीक से से नहीं नहीं बात बात की की अच्छे उनका मन कुछ, ना, कुछ कुछ ना कुछ दुख की बातें सोचता रहता है तकलीफ की बातें सोचता रहता है मुश्किलों की बातें सोचते रहता है और फिर वो उनकी आदत बन जाती है लेकिन हमारे लिए हम उन आदतों को परिवर्तन करते हैं कि मैंने क्या सीखा आ, कितना सुंदर था क्या अच्छा किया इसके अलावा और क्या हो सकता था माना हम अच्छी चीजों को देखते हैं जो बहुत जिससे मुझे फायदा हो जिसमें मेरा कल्याण हो तो फिर हम अलग तरह से सोचते हैं अलग तरह से बात करते हैं अलग तरह से जैसे बाबा हमको खुशी की दुनिया में ले जाते हैं सुख की दुनिया में ले जाते हैं जिसको हम कहते हैं ना मुक्ति और जीवन मुक्ति फिर चाहे हम घर जाए मुक्ति की दुनिया में जाए तो जैसे अभी भी, अभी भी अगर हम पूरा दिन में हम पूरा दिन हम ऐसे सोचते हैं ना कि हमको ऐसा लगता है कि साइलेंस में जाएं शांति का अनुभव करें तो बाबा ने हमको बहुत सारी चीजें दी हैं चिंतन करने के लिए ज्ञान के बारे में सोचो बाबा के बारे में सोचो ड्रामा के बारे में सोचो अपने घर के बारे में सोचो सतयुग के बारे में सोचो, तो कितनी चीजें हैं ना हमें सोचने के लिए अगर हम उनके बारे में सोचते रहे तो हमारे पास समय ही होगा ना अगर हम बाबा की एक एक विशेषता के बारे में बाबा के गुणों के बारे में तो सोचते रहे, रहे तो पूरा दिन बीत जाएगा तो बाबा आके पहले हमारे चिंतन को परिवर्तन करते हैं हम इसलिए नहीं सोचते कि हमें आते हैं पर हम सोचते हैं अपनी रूहानी समझ के बारे में रूहानी स्मृति के आधार पर तो दो तरीके हैं सोचने के एक तो जो भी हमारी आदत है सोचने की और दूसरा हम इस स्मृति में रह के चिंतन करें स्मृति से चिंतन करें कि बाबा ने हमको क्या दिया है हमको क्या करना है क्योंकि जीवन में क्या होता है ना 80 प्रतिशत लोग इसलिए सोचते रहते हैं क्योंकि उनको आदत है सोचने की उनके संस्कार बना हुआ है लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो स्मृति में रह कर सोचते हैं कि तो बाबा हमको कहते हैं, ये स्मृति रखो कि मैं रथी सारथी हूँ सदा ये स्मृति रखो कि मैं आत्मा सारथी हूँ तन है ये रथ है और मैं इसका सारथी हूँ तो ये जो स्मृति है अगर आपकी सदा बनी रहे तो फिर आप विजयी बन जाएंगे और फिर जब आप आत्मिक रूप में सोचेंगे तो आप समझे कि बाबा तो मुझे देवता बनाने आया है मनुष्य से देवता बनाने आया है तो कैसे हो जाएंगे ना आपके संकल्प तो हर ज्ञान की हर एक पॉइंट अपनी स्मृति में लाओ और फिर देखो मेरे संकल्प कैसे चलते हैं बहुत श्रेष्ठ होंगे बहुत पवित्र होंगे उसमें शक्ति होगी हिम्मत होगी कई बार सूक्ष्म रूप से भी डर आ जाता है किसी न किसी रूप में डर आ जाएगा या बहुत सुक्षम होती हैं सारी चीजें परंतु जब हमें स्मृति रहती है और हमारे संकल्प जब स्मृति स्वरूप होते हैं तो फिर कोई भी कमजोर संकल्प आएगा ना एकदम शक्तिशाली बन जाएगा पूरे दिन में भी सोचो अगर कुछ देर के लिए अगर आपको थोड़ा महसूस हो कि मैं अः दिल शिकस्त हो रहा हूं या कुछ भी तो आप क्या करोगे ना एकदम तो, आप बाबा की मुरली की पॉइंट याद करोगे या बाबा को याद करोगे या कुछ भी जिससे कि आपकी एनर्जी बदल जाए जिससे कि आप शक्तिशाली अनुभव करो तो हम कैसे कर सकते हैं वो एकदम जल्दी से कैसे हम शांति स्वरूप बन जाएं, तो ये सब बाबा के गिफ्ट है ना हमको जो मिले हैं संगम युग पर और बाबा ये भी कहते हैं कि ये सबसे बड़े गिफ्ट हैं आपके और फिर हम क्या करते हैं उन गिफ्ट्स को लोगों को बांटते हैं ऐसे नहीं कि अपने पास रख लेते हैं कुछ लोग कहते हैं छोटी-छोटी चीजों को बड़ा बना देते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं और फिर कहते हैं कि ओ मोहिनी दीदी हमको आपसे बात करनी है और फिर लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं तो मैं कहती हूँ कि अ ये तो बात ही कुछ नहीं है ना आप थोड़ा सा सुनाओ बस अः आप बस इतना ही सोचो तो जैसे ही आप अपनी संकल्पों को सार में ले आएंगे तो बड़ी चीज छोटी बन जाएगी बड़ा दुख छोटा बन जाएगा और अगर हम उसको सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे बहुत ज्यादा सोचेंगे बार बार सोचेंगे तो उससे फिर हम बोझ में आ जाएंगे ना तो इसलिए बाबा ने हमको देखो आ, कहा है बाबा को समर्पित हो जाओ जो आप कर नहीं सके वो बाबा को दे दो और वो करो जो आप कर सकते हो तो मैं हमेशा अपने आप को ऐसे समझती हूँ कि जो मैं भी कर सकती हूँ वो मुझे करना है सिर्फ संकल्प नहीं चलाने जितना कर सकते हैं तो परिवर्तन की जो शक्ति है और जो हमारी अभी चढ़ती कला है चढ़ती कला ये भी तो बाबा से हमको अभी गिफ्ट मिला हुआ है ना तो जैसे आज मन जैसे नाच रहा था पूरा दिन मन खुशी से नाच रहा था और कल जो हम अभ्यास करेंगे वो अपने भाग्य को देखेंगे पूरा दिन से आप ये देखना कि सब कुछ बाहर चारों तरफ कितना शांति में है कितना सुख वाला है सब वाइब्रेशंस कितनी अच्छी है जो रूहानी हमारी कंपनी है संघ है वो भी कितना अच्छा है मैं समझती हूँ में से हमको जो मिला है ना उसमें अट्ठानवे प्रतिशत नाइन्टी एट परसेंट सब कुछ बहुत अच्छा है सिर्फ दो परसेंट है जो थोड़ा कम होगा कुछ थोड़ी बहुत चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है तो हमको क्या करना है अपने भाग्य को देखना है खुश नसीबी को देखना है एक है जो कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ पर दूसरा है कि हम क्या रच रहे हैं वो भी उसके लिए भी हमको खुश रहना है खुश रहना है उन सब चीजों के लिए हम कितने खुश नसीब हैं तो हमारे हर संकल्प बोल कर्म संबंध सब ज्ञान के आधार पर है ना सब सकारात्मक है सब पवित्र है तो अपनी खुश नसीबी को देखो कितना खुश नसीब है तो कितने खुश होना चाहिए हमको और फिर जितना ज्यादा हम खुश होंगे उतना ज्यादा हम अपने खुश नसीबी को समीप लेकर आएंगे वो है भी हमारे पास और हम उसके लिए रच भी रहे हैं उसको तो फिर हम सदा खुश हो जाएंगे मैं सदा हर क्षण हर क्षण मैं बाबा को शुक्रिया ही करती रहती हूँ परिवार को भी शुक्रिया करती हूँ कि सब कितने अच्छे है सब फरिश्ते की तरह हैं जैसे सब बहुत बहुत सहयोगी हैं और तो आप बहुत लंबी एक लिस्ट बना सकते हैं अपने खुश नसीबी की कि मेरा नसीब कैसा इतना ऊंचा नसीब है तो फिर क्या होगा मेरा नसीब सदा के लिए खुश बन जाएगा तो कलयुग के अंत में भी देखो हम कितने खुश नसीब हैं तो हमको देखो अपनी अपनी so, खुश नसीबी be कोस तो and कुछ आदतें हमारी आ गई ना देह भान की वजह से तो हम so, so, अपनी खुश नसीबी के लिए अब पुरुषार्थ करें Your stage will be ever. तो हमारी स्थिति सदा के लिए खुश बन जाएगी क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारी खुश नसीबी बढ़ेगी तो सदा अपनी खुश को याद रखो कि मैं एक खुश खुशनसीब आत्मा हूँ खुशनसीब आत्मा है अच्छा ओम शांति Of खुश नसीबी बाबा का ब्राह्मीण बच्चा बनना माना खुश नसीब बनना खुशकिस्मत बनना तो अपना खुशनसीब का टाइटल सदा याद रखना क्योंकि बाबा मिला अर्थात सर्व प्राप्तियों का भंडार मिला तो ये कल का हमारा होमवर्क है तो आज तो सतगुरुवार है और इतना अच्छा भोग का मैसेज हमने सुना इतनी अच्छी दीदी ने शेयरिंग की स्वीट तो आज फिर हमारे साथ एक परिवार है जिसका हम बच्चों का हम इंटरव्यू करेंगे तो उससे पहले चलो अब व्यक्ति यात्रा करते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया हम हैदराबाद सिंध में थे और हैदराबाद सिंध से चार घंटा आगे हैदराबाद कराची थी समंदर का किनारा वो भी शहर था बहुत बड़ा तो बाबा ने कहा कि ये जैसे स्कूल में नहीं एक्सकर्शन होती है तो घूमने जाती है एक मास के लिए ऐसे ही सब जो एक मास के लिए जिनको छुट्टी मिले तो एक मास के लिए कराची शहर में चले अब यहाँ से स्थापना होती है पक्की तो कई तो परिवारों के परिवार तैयार हो गए जाने के लिए मकालों का बंगलों का बाबा ने प्रबंध करा दिया सब प्रकार का खान पान का सब प्रबंध हो गया लेकिन हुआ क्या हम जैसी आठ नौ बहनें थी जो सख्त बांधेली बन गई थी माता पिता ने छुट्टी नहीं दी हम छुट्टी नहीं देंगे सोचा ये जाएंगे तो लौट के थोड़ी तो आएंगे तो सब लोग चले गए और हम लोगों के आगे तो दो दिन समझो सख्त पैरा था उसमें मैं भी एक थी आप समझ सकते हो उस समय सातवा का क्या हाल हो होगा मन में तो बड़ी लगन थी कि इतनी बहने बाबा के संग रहेंगी ज्ञान अमृत पी करके वो कितनी ना आगे बढ़ जाएंगी और हम तो पीछे के पीछे रह जाएंगे लेकिन ड्रामा की भाभी ऐसी है कुछ कर नहीं सकते हम लोगों को तो ना भूख लगे ना प्यास लगे माँ को कहने लगे तुमने क्या किया हमारे साथ में फिर उन्होंने देखा ये लोग खाते पीते नहीं है कुछ भी तो उनको अपने आप तर्स पहने लगा हमने कहा यहाँ जो मंदिर का हमारा स्थान है जो कुछ बहने रही हुई है वो आपस में आके मिलती है सत्संग करती है तो वो तो आप हमको करने दे सकती हो ना? तब वो लोग तैयार हो गए हमको छुट्टी दी तब हमने भोजन पाया तीन दिन हमने भोजन ही नहीं पाया क्योंकि उन तो तरस पड़ा अब हम जब वहां गए जो बहने नहीं गई थी आपस में मिलने लगे तो सबके मन में कितनी तरफन होंगी हम्म कि वहाँ तो देखो सब कितना अतीन जय सुख लूट रहे हैं बाबा के साथ में ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं और हम बहने ही यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोगों से भी राह नहीं गया तो क्या किया होगा आपस में प्लान बनाया चलो एक बारी हम देख के तो आए हो के तो आए चाहे दो चार दिन के लिए क्योंकि बड़ी तरफन थी तो ये प्लान बनाया कि एक तो हैदराबाद स्टेशन से बहने जाएंगी जिसको बहुत डर नहीं है और जिसको थोड़ा डर है वो और आगे स्टेशन से बैठे ताकि देखे ये घर में नहीं आई लौट करके तो स्टेशन से न पकड़ लेवे <laughs> तो और हम सख्त बंद हो जाएंगे तो दिन हम लोगों ने मुकर किया और बाबा को खबर दे दी कि हम लोग आ रहे हैं फलानी गाड़ी से एक ड्रेस पहनी थी और एक ड्रेस और अंदर पहन ली तहांके बाबा के पास पहुंचे तो दूसरा तो कपड़ा हो में कम पहनने के लिए जब तक दूसरा बने <laughs> वो घर वालों को तो पता ही नहीं लगा जैसे पहुंच गए तो रिसी करने के लिए आए हम लोगों को अब जैसे जैसे टाइम बीतता जावे तो घर वाले हैरान होने लगे अभी तक आई नहीं ये लोग क्यों नहीं आई अभी तक बेचैन हो गए एक दो के घर में गए पूछने के लिए भाई तुम्हारी लड़की आई वो कहते मेरी लड़की भी नहीं आई तो वो भी रोने लगी फिर दूसरे के घर में गए तुम्हारी लड़की आई तो कहा इन लोगों ने तो बड़ा धोखा दिया बड़ी चालाक निकली है ऐसे करते करते रोने लगी सभी शांत हो गई बाबा ने कहा बची आइयो सबसे पहले अपने घर में तार करो टेलीग्राम दो उन दिनों में तो इतना टेलीफोन वगैरह तो होता था कि भाई हम यहाँ आराम से पहुंच गए हैं और आप लोग बेफिक्र रहता समझा लेकिन बाबा ने हम लोगों को कहाँ अपने भवन में नहीं रखा जो किराए पर था उन दोनों में दीदी हमारी भी बांध ली थी और उनकी साथ में कोई नदर थी उनके लिए अलग बाबा ने फ्लैट लेके रखा हुआ था वो लोग उसमें रह पड़े थे तो हम लोगों को बाबा ने वहाँ ठहरा दिया जैसे हम अपने सखी के पास रहे हैं बाबा के पास नहीं रहे हैं क्योंकि बाबा के पास रहने से वो लोग ऐतराज करते और बाबा के ऊपर ही ब्लेम करते कि भाई इन्होंने लड़कियों को भगाया है तो हम वहाँ ठहरे Of खुश to नसीबी of तो बाप का ब्राह्मण बच्चा बनना, बननासीब बनना खुश किस्मत बनना अपना खुशनसीब का टाइटल सदा याद रखना क्योंकि बाप मिला माना सब प्राप्तियों का भंडार मिला Fortune of Happiness, Kush to be. A Brahmin child of the father brahman Brahmin Bacha Banna, mana, Kush Nasip Banna, and to be fortunate Kush Kismat Banna. का बच्चा बनना खुश नसीब बनना है रिमेम्बर अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना क्योंकि बाबा मिला, मना सब प्राप्तियों का भंडार मिला बाबा मिला सब प्राप्तियों का भंडार मिला खुशनसीब पाप का ब्राह्मण बच्चा बनना अर्थार्थ खुश नसीब खुशकस्मत बनना क्योंकि पाप मिला अर्थात सर्वप्राप्तियों का भंडार मिला